हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्र। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस मंत्र में। ये वीडियो विशेष रूप से सी टेट के लिए है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग इन्वायरमेंट के 30 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम में 2012 में पूछे गए थे। सो बहुत ज़रूरी है सी टेट क्वालिफाई करने के लिए कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करें, और एक बार नहीं कई बार सॉल्व करें, क्योंकि ये इतने कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि आप जितने ज़्यादा बार सॉल्व करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा होगा। और ख़ास तौर पर बीएड वालों के लिए हो सकता है उन्हें अब प्राइमरी में बार बार मौका ना मिले। सो अब आप लोग तो अपनी पूरी दम लगा दीजिए इस बार सी टेट को क्वालिफाई करने के लिए। और चलिए देख लेते हैं कि जो 2012 में जो क्वेश्चंस आए थे वो क्वेश्चंस क्या हैं, और आप लोगों उनमें से कितने क्वेश्चंस आप लोगों ने सक्सेस कर पाते हैं, आप लोग उन क्वेश्चंस को कितना सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर आप लोगों को दिख रहा है, इसमें टोटल 30 क्वेश्चन हैं, और ये 2012 में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। आप लोग बताइए इनमें से कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटी रूप से संबंधित हैं। अब आपको बताना है कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। तो मच्छर, डेंगू, लौह, गुड़। तो देखिए, आपको एक थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ कि मच्छर डेंगू तो है, लेकिन लौह गुड़ नहीं था है। लेकिन इन्होंने पूछा है कि इसमें सभी आपस में समूह निकट होना चाहिए। इसके बाद मच्छर, मलेरिया, अनीमिया, रक्त। अब इन दोनों का संबंध नहीं है। लौह, मलेरिया, मलेरिया का संबंध इन दोनों से नहीं है, लेकिन लौह, हीमोग्लोबिन, अनीमिया और आंवला। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन डी। देखिए, आप लोग देख पा रहे होंगे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये क्वेश्चन है, काफी बड़ा क्वेश्चन है, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। ये देखिए, ये आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें, पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखने दें, यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें, स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। पोस्टर का उद्देश्य है, बताइए इसमें पोस्टर का उद्देश्य क्या है कि टाइफाइड और हैजा, डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर, चेचक और मलेरिया, या डेंगू और आई फ्लू। तो इसमें किस चीज के लिए जागरूकता पैदा करना है। तो अब आप देख लीजिए कि सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर क्या हो रहा है, क्योंकि इन्होंने इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा भी हम लोगों को समझ करके ही चलना है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि आज बीमारी की रोकथाम के लिए निम्नलिखित सावधानियां बरतती है कि अपने आसपास के पानी को जमा ना होने दें, जिससे मच्छर पैदा ना हो, ठीक है। इसके बाद पानी के बर्तनों, कूलरों, टंकियों को साफ रखें। तो टोटल इसका जो पूरा ध्यान जा रहा है वो ये जा रहा है डेंगू, और क्योंकि पानी होता है, मच्छर होते हैं, तो डेंगू पैदा होते हैं। तो इस हिसाब से इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, काफी बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स इसमें। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। जमीन पर रहने वाले जीव, देखिए जो जमीन पर रहने वाले जीव हैं वो ये हैं, ठीक है। पानी में रहने वाले जीव ये हैं, इसके बाद अंडे देने वाले जीव ये हैं, लेकिन कुछ जो ये वाला पोर्शन है वो एक्स, वो कॉमन है, वो समी में। तो निम्नलिखित में से कौन से जीव एक्स में रखे जाते हैं। अब बताइए, जो जमीन में भी रहने वाले हो, पानी में भी रहने वाले हो और अंडे देने वाले भी हो, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो मगरमच्छ है। देखिए, ये जमीन पे भी रहता है, पानी में भी रहता है और अंडे देने वाले जीव होते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, इस बार आपको सी टेट क्वालिफाई हर हाल में करना है, तो आप लोग को बिल्कुल भी लापरवाह नहीं होना है, क्योंकि बार बार हो सकता है मौका ना मिले प्राइमरी वालों के लिए। अंजलि की सहेली दांतों में, जो अंजलि की सहेली है उसके दांतों में छह से बचने के निम्नलिखित चार तरीके बताती है। दिन में 2 बार ब्रश करें, एनिमल कम ना हो इसके लिए ब्रेसेस पहने, मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाई युक्त पेय पदार्थ ना हो हर खाने के बाद, कुल्ला जरूर करें। तो अंजलि को उपर्युक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए, एक और तीन, मतलब किसका अनुपालन करना चाहिए, बताइए आप लोग। ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा कि
देखिए उसको बचने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, मिठाई चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ से उसको बचना चाहिए। इसके बाद देखिए हर खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए। इसके बाद क्या होता है कि दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ये वाला आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है के लिए मछली घर एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है। तो मछली घर एक्वेरियम की शोभा बढ़ाने बढ़ाने पानी को साफ करने, जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने, या अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए मछली घर में हवा वाला पंप। देखिए एक्वेरियम जो होता है उसमें हवा वाला पंप क्यों रखते हैं ये आपको बताना है। तो अधिक ऑक्सीजन को पानी में ना घुलने दें इसलिए हवा वाला जो पंप होता है वो एक्वेरियम में रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? वृद्धि और प्रजनन। निम्नलिखित में से, क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए कि निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? वृद्धि और प्रजनन। इसके बाद है वृद्धि और भोजन बनाना, प्रजनन और भोजन बनाना, प्रजनन और अंकुरण। तो इसका देखिए जो भोजन है तो ये तो जीव जंतु तो भोजन अपना बनाते नहीं है, ठीक है, पेड़ पौधे बनाते हैं, तो ये तो कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा। अंकुरण, जीव जंतु अंकुरण नहीं करते हैं, तो प्रजनन और वृद्धि इसका आंसर सही होगा क्योंकि वृद्धि और प्रजनन जीव जंतुओं और पेड़ पौधों दोनों में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं। हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, समतल सतह, पानी नहीं, पर्याप्त हवा, ऊंचे पहाड़, या पानी नहीं, गहरे गड्ढे या ऊंचे पहाड़। तो 7 का आंसर बताइए आप लोग। देखिए इसमें चांद की सतह कैसी है ये बताना है आपको। अब देखिए चांद की सतह समतल तो है नहीं, ऊबड़ खाबड़ है, तो पानी नहीं है, गहरे गड्ढे हैं और ऊंचे पहाड़ हैं। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर एक्वेरियम का पानी कैसा है बताइए, कि खनिज रहित है, मछली के तैरने योग्य नहीं है। देखिए मछली तो किसी भी पानी में होगा वो तैर लेगी तो मछली मरेगी तो है नहीं, ऑक्सीजन रहित है, मछली द्वारा पीने के योग्य नहीं है। देखिए जब एक मछली को पहले से उबला जो पानी है लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। तो देखिए जब एक मछली होती है उसको एक पानी जो होगा वो पहले से उबला होगा, ठीक है, ओके, तो उसको जब अलग से तापमान में डाला जाएगा तो मछली मर जाती है। तो जब उबला हुआ पानी में डालते हैं तो उसमें देखिए क्या होता है कि मछली मर जाती है क्योंकि उसमें खनिज की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9वां क्वेश्चन है, रेखा की माँ, फिर इसके बाद खाली जगह में आपको भरना है। रेखा की माँ के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। जो वो रेखा की माँ है वो रोजाना जो तालाब से पानी लाती है उसमें फिटकरी डालती है, तो क्यों डालती है? पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने में, पानी को रंग रहित करने में, या हल्के निलंबित अपद्रवों को अवशादित करने में, या कठोर जल को मृदु जल में अपवर्तित करने में। तो देखिए हल्के निलंबित करो अपद्रव्यों को अवशादित करने में, जो फिटकरी में पानी में फिटकरी डाला जाता है तो उसका सिर्फ एक ही रीजन होता है कि हल्के जो निलंबित अपद्रव होते हैं उनको अवशादित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सारे ऑप्शंस आपको एक से लगते होंगे लेकिन ये क्वेश्चन आ चुका है, ये 30 क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, एनवायरमेंट का है। इसके साथ ही मैं अगला वीडियो भी आपके लिए लेकर के आऊंगी जो कि दूसरे संध का होगा और अगर दूसरा पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर होगा सीटेट का ही। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, रेत और नमक की मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित चार क्रमों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। देखिए, रेत और नमक के मिश्रण को अगर अलग अलग करना है तो ये चार प्रक्रियाएं हैं, उनको क्रमों में से किसका उपयोग करना चाहिए? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा निस्यंदन, फिर होगा निस्तारण, फिर होगा वाष्पन, फिर होगा अवसादन। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारोत्तोलक को प्रायः ज्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए इन्हें ऐसा आहार देने की आवश्यकता होती है जो विटामिन से भरपूर हो, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर हो, प्रोटीन से भरपूर हो या वसा से भरपूर हो। तो 11 का जो हमारा सही आंसर होता है वो ऑप्शन है बी, प्रोटीन से भरपूर हो। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए भारोत्तोलक को प्रायः ज्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है, तो इन्हें ऐसा ही भोजन देना चाहिए जो प्रोटीन से भरपूर हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? बताइए, बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर से काटना, तो ये हो सकता है, लेकिन हम बाकी के चार ऑप्शन और देख लेते हैं। देखिए, सब्जियों को काटना तब उन्हें चलते पानी में धोना। देखिए, सब्जी काट करके नहीं धुलना चाहिए। अगला देखिए, सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना, ये भी नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताजा रखा जा सकता है? अगर हम लोग बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह से ताजा रखना है, तो राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों की परिगणना करती है। उसे कटोरी में रखती है और कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है, उसे धूप में खुला फैला देती है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। तो 13 का ये क्वेश्चन नंबर 13 है, और 13 का जो सही आंसर होगा, देखिए उसे कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को ताजा रखना है, तो देखिए उसे छोटे छोटे टुकड़ों को काटेगी और अंधेरे में रख देगी, क्योंकि अगर धूप में रख देगी तो वो उसके जो उसके तत्व होंगे वो नष्ट हो जाएंगे, इसलिए उसे अंधेरे में रख देती है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, सभी बड़े शहरों सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से बताना है कि किसके माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। तो व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर, कार आदि नहीं रखते हैं। पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जाँच करवाने, आने जाने के लिए सर्वाधिक सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने, अक्सर घर से बाहर जाने से बचने। तो 14 का जो सही आंसर होगा वो आप लोगों को बताना है कि 14 का आंसर कौन सा सही होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने, ऑप्शन सी। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिए, सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से यही कर सकते हैं कि आने जाने के लिए सार्वजनिक व्यवस्था यातायात व्यवस्था का प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं, 15 को देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 15 है, पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। यह तथ्य द्वारा व्याख्यात किया जा सकता है, क्या व्याख्यात किया जा सकता है? लोहे पानी की तुलना में भारी है और स्टील पानी की तुलना में हल्का है। लोहे पानी की तुलना में हल्का है और स्टील पानी की तुलना में भारी है। स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना से कम है। लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज्यादा है, जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल
उसके भार की तुलना में ज्यादा है जो बल लगता है, क्योंकि स्टील की कटोरी जो होती है वो हल्की होती है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसकी भार की तुलना में कम है, क्योंकि लोहे की कील जो होती है वो भारी होती है और जो बल होता है उसकी अपेक्षा कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, शामिल करना, खोजबीन करना, व्याख्या करना, विस्तार देना और मूल्यांकन करना विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े 5 महत्वपूर्ण ईएस हैं। अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियां की संकल्पना से जुड़े व्यावहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान, क्वेश्चन नंबर 17 है, एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में कौन सा सही तरीका है। तो ये 4 ऑप्शन है, देखिए इसी तरह से लेंथी क्वेश्चन आते हैं सीटेट में और ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये पेपर लाना बहुत जरूरी था ताकि आप लोग को जो एग्जाम देना है उसके लिए आप लोग प्रिपेयर हो जाए। देखिए जो संतुलित प्रश्न पत्र होता है उसके बनाने के लिए प्रश्न लिखना, ब्लूप्रिंट रूपरेखा तैयार करना, डिजाइन से मिलान करना, अंक योजना बनाना। तो इसमें आप लोग बताइए कि सबसे पहले एक जो चरण होता है, तो सबसे पहले प्रश्न तैयार नहीं करेंगे, सबसे पहले हम किसी भी चीज का होगा वो डिजाइन बनाते हैं। तो देखिए डिजाइन बना लेते हैं, फिर ब्लू प्रिंट तैयार करते हैं, फिर प्रश्न लिखते हैं और उसका संपादन करते हैं, फिर यह अंक योजना, सबसे लास्ट में अंक करते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। तो 18 का जो 18 का सही आंसर है वो आप सब बताइए, उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त रक्तकार देना, ये तो बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। दूसरा है उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उनसे काम का लगातार पर्यवेक्षण करना, ये भी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, क्योंकि उनकी जो उन किस क्षेत्र में वो कमजोर है हमें इस चीज का पता लगाना होगा, इसके बाद ही हम उसमें सुधारात्मक उपाय कर पाएंगे। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, एक शिक्षिका विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते, यह किसके कारण हो सकता है। तो इसका आप लोग को आंसर बताना है कौन सा सही होगा इसका। शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रहती है, ये तो कोई इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यात नहीं जो व्याख्यात नहीं कर पा सकती, वह इसकी कक्षा को अध्यापिका नहीं है, ये भी कोई मतलब नहीं है उसका। विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके, ये हो सकता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर नहीं समझ सकते, तो यहाँ पर उसका जो तरीका होता है कि वो श्वसन और सांस करने को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकती है जिससे बच्चे सही समझ सके, तो उसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, काफी लेंदी क्वेश्चन आते हैं, आप लोग इसे देख सकते हैं कि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है, उसके जो सहयोगी होते हैं वो इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 भिन्न गतिविधियां सुझाते हैं, खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेले, स्ट्रो के माध्यम से जूस को खींचना, गुब्बारे में हवा भरना, 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधें तथा साम्यावस्था में ले जाएं, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। तो इसका जो सही आंसर होगा इसका आपको बताना है कि उपरोक्त गतिविधियों में से कौन सी गतिविधियां वांछनीय परिणामों को प्रदर्शित करेंगी। तो 20 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, पहला और चौथा। ऑप्शन सी पहला है, खाली उल्टा बीकर पानी के सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे की ओर धकेलें, और चौथा है, 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधें तथा साम्यावस्था में ले जाएं, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, तो 21 है, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे अधिक प्रभावी होगी। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, इसका आंसर आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा।
तो देखिए, विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखला को खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना, लेकिन यहाँ पर शिक्षण व्यू रचना सबसे प्रभावी होगी, सबसे प्रभावी पूछा है उन्होंने। इसके बाद है, श्यामपर पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देख कर लिखने के लिए कहना, ये ऑप्शन है। और चौथा ऑप्शन क्या है, हम लोग चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो चौथा ऑप्शन है, जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। तो देखिए, सबसे ज्यादा इसमें इम्पोर्टेंट होता है जो NCF 2005 जो हमें सजेस्ट करता है कि बच्चों में क्रिएटिविटी सबसे ज्यादा सिखानी चाहिए, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को पोषण प्रकरण का परिचय देना है, तो उसके लिए सबसे अधिक प्रभावी तरीका कौन सा होगा? श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए, मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाना चाहिए, विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। अगला है, पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए। तो देखिए, एक बहुत अच्छा तरीका मैं आप लोगों को आंसरिंग करने का बता रही हूँ कि जो सीटेट होता है उसमें जो सबसे लेंदी क्वेश्चन हो, एक तो उसमें ध्यान देते हैं, लेकिन इसके बाद भी हम लोग इसके आंसर को पढ़ लेते हैं कि कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री भोजन को देखने के लिए कहना तथा उसके बाद शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए कि वो क्या है और इससे क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यालयों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है, यह विद्यार्थियों में सहायता करेगा बाहरी भ्रमण के दोस्तों के साथ मजे ले सकें, इसको आंसर हम कट कर देते हैं। प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करें, कच्छी अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ना, तो सबसे सही आंसर इसका यही होगा कि जो कक्षा में अधिगम होता है उसको वास्तविक जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं, एक कक्षा के अनुभाग आग को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारणों में रिक्तिकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का उपयोग किया जाता है, जबकि अनुभाग भाग को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग आ के विद्यार्थियों ने एक एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया, ऐसा होने का कारण क्या हो सकता है? तो ये चारों ऑप्शन में आपको ऑप्शन बताना है, दृश्य शब्द सामग्रियां बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं, ग्रीन बोर्ड एक अच्छी सामग्री है। तो ये सबसे पहले देखिए, सबसे अच्छा आंसर यही है कि जो दृश्य श्रव्य सामग्री होती है उसे सभी इंद्रियां काम करती हैं और बच्चे सबसे अच्छी तरीके से देखकर और सुनकर सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दस्तकार जमा नहीं कराता, इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है, उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना। तो ये हो सकता है, लेकिन हम और भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना। तो सबसे पहले हम ये आंसर काट देते हैं, ये आंसर काट देते हैं। इसके बाद उसे खेलकूद की कक्षा में जाने से रोकना, ये भी काट देते हैं। अनियमितता का कारण पता लगाना और समीर को परामर्श देना, सबसे पहले हम उसका कारण जानेंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, अभिभावक शिक्षक अंतःक्रिया को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एक दूसरे की कमियों को उजागर करना, ये आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना, लेकिन यहाँ पर अध्यापक और अभिभावक और शिक्षक की अंतःक्रिया को बताया गया है। इसके बाद है, पुनर्वलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, ये ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि जब शिक्षक और अभिभावक दोनों आपस में मिलेंगे तो बच्चे में क्या कमियां हैं, वो क्या सीखने में नहीं सीख पा रहा है, ये सारी जब इंटरेक्शन होगा तो वो लोग इस बारे में उनका बेहतर परिणाम खोज पाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 27 है, वायु हर जगह है प्रकरण को पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है, क्या मृदा में वायु है, क्या पानी के अंदर वायु है, क्या हमारे शरीर में वायु है, क्या हमारी हड्डियों में वायु है? शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने के प्रयास कर रहा है? तो इसका ऑप्शन आप लोगों को बताना है, कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो शिक्षक
ये देखिए, जो शिक्षक है वो बच्चों में बताने का प्रयास कर रहा है कि वायु हर जगह है, मतलब कि इस प्रकरण को सबसे अच्छी तरीके प्रश्न पूछता है। इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए, मतलब अवलोकन कौशल, अवलोकन करने के लिए कह रहा है कि बताइए क्या मृदा में वायु है, क्या पानी के अंदर वायु है, क्या शरीर के अंदर वायु है, क्या हमारी हड्डियों के अंदर वायु है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है, पाइपर एक्टिविटी, अतिचक्रीयता, आक्रामक व्यवहार, पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता, बहुत बात करना। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सही होगा। और ये जो बच्चा तनावग्रस्त रहता है उसकी पहचान कर सकती है कि जब बच्चा व्यवहार प्रदर्शित करता है, ये बच्चा आक्रामक व्यवहार करता है, तो वो उसका पता लगाती है और उसको पता लगाने का प्रयास करती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए चार अलग अलग विज्ञान शिक्षक चार तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज्यादा उचित है। तो सबसे ज्यादा उचित इसने पूछा है, तो इसलिए आपको देखना है। विद्यार्थियों को पाठ पुस्तक में से प्रकरण का शस्त्र पाठन करने के लिए कहना और संकल्पना शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना, इसमें हमें चारों ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना, और विद्यार्थियों से कहना कि दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उसकी गुणवत्ता का अध्ययन करें, हुए निष्कर्षों को सारणीगत करें। बिल्कुल सही है कि वायु प्रदूषण का अगर पता करना है तो विद्यार्थियों से कहेंगे कि जो दीपावली के बाद वायु की क्या स्थिति थी और दीपावली के बाद क्या पॉल्यूशन आया है, तो इसका पता लगाएं। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 को हम लोग देखते हैं। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है, इसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है। तो गलत पूछा है, और हाँ, सीटेट में सबसे ज्यादा यह ध्यान देने वाली बात यह होती है कि निगेटिव जरूर देख लेते हैं। तो ऑप्शन है, ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाता है, पेन की नोक पर पेपर के बीच होने पर घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं, हमारे जूतों और जमीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं, और अगला है, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी हुई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही आ जाती है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30 का जो ऑप्शन बताना है आप लोगों को, लेकिन जो ऑप्शन सही होगा वे गलत है, गलत पूछा है इन्होंने, तो ऑप्शन डी गलत है। क्योंकि घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका समझाने की अनेक उदाहरण देती है, घर्षण हमारे लिए कई तरह से उपयोगी है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण गलत है कि ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी हुई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास आती है, क्योंकि घर्षण के कारण नहीं आती है, जो वस्तु हमारे अंदर आती है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण आती है। तो ये वाला ऑप्शन जो होगा वो गलत होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो 30 क्वेश्चन थे ये कंप्लीट होते हैं, और इसके साथ ही अगर आप लोग इस सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे हम आप लोगों के लिए नेक्स्ट डे इसकी जो नेक्स्ट सीरीज हो वो जरूर लेकर के आएं, और आप लोग इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।